लग रहे हो। सो गुरुजी बोले हाँ लला सुस्त तो है तबीयत ठीक ना, एक काम करो पानी बरसरो बाहर गैया बंधी है, गैया बंधन से मुक्त कर दो यानी कि खोल दो दूसरे खूंटा पे बांध दो। सो चेला बड़ो आलसी रहे। सो चेला बोलो अरे गुरुजी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम आए हो तो भाई भला हम काऊ को कैसे बंधन से मुक्त कर सकते हैं, तुम आए हो तो भाई हम भला कैसे काऊ को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि हम कैसे यहाँ से जाएं, कैसे यहाँ से बचे। गुरुजी बिचारे उठे, उठ के गैया एक खूंटा से खोली दूसरे खूंटा से बांधी। थोड़ी देर के बाद बोले गुरुजी चेला से के लला देखो तो बरसात बंद हो गई बाहर जाओ। अब चेला आलसी तो आलसी, सो बोलो गुरुजी जब बिल्ली है बोले हाँ जब बाहर से ही आई है जब आंख फिराए के देखो गीली है तो बरस रहे सूखी है तो बंद होएगा। मतलब मुंह पे क्या लिखो है जो आज सोई शुरू ही जाए ना। और तो छोड़ो बड़े बड़े जैसे भैया लोग आए ना तो बेगो यूं आएंगे अपनों नाम ही भूल जाते हैं। बंस और राम जी भैया अपने सुपुत्र बंस, भगवान ही बंस को आगे बढ़ाए किसी ही बात की कमी ना हो, सुख और संपत्ति प्रदान हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहिए, विलास और आकांक्षा है। तो महाराज आज विश्वरवा ने रोका, हाँ वो समझा रहे थे तो गुरुजी बिल्ली पे हाथ फेर रहे, समझ गए गुरुजी की जो बहुत बड़ो आलसी है जो हमारा काम ना करेगा। शाम भाई सो शाम को लाइट जल रही, सो गुरुजी और चेला लेट गए। गुरुजी बोले लला सर्दी एक काम करो उठ बैठो जो लाइट बंद कर दो। चेला बोले तुम हद करे हो, सवेरे शाम तक दिमाग खाए के रख दे तो एक काम करो ना। बोले का रजाई मोड़ा रहा आंखें बंद कर लो समझ लो लाइट चली गई को उठे तो आलसी है। दूसरो दिन बहुत सब गांव से कुछ लोग प्रसाद लेके आए प्रसाद, सो चेला को ही बुलाओ सबसे पहले। गुरुजी ने बोले ए सुनता है ये प्रसाद ले ले। चेला सोचने लगो कि तीन तीन काम ना करे हमने और जो चौथा प्रसाद तो हमें खाना ही है तो कैसे खाएं। सो भाग के यहाँ आओ अरे गुरुजी तुम्हारे हमने तीन तीन काम ना करे जो चौथा ना करे तो तुम बुरो ना मान जो ला प्रसाद खवाए दे। बोली गोविंद भगवान की बड़े चेला आज के जमाने के होशियार हैं। और गुरु जो होता है कभी कभी गुरु भी बहुत तेज होते हैं। एक गुरु के दो ही चेला रहे, सो एक चेला से कहीं लला जाओ हम पूजा के लिए तक तक बैठे आसन लगाएगी तुम जाओ तुलसी के पत्ता ले आओ। सो चेला आलसी रहे बोले गुरु जी तुलसी। बोले हाँ अच्छा तुलसी। गुरु जी बोले हाँ अच्छा तुलसी। अरे गुरुजी बोले तुलसी मंगाए रे जा तुलसी लेके आ। बोले गुरुजी हम तो जानते ही ना तुलसी होत कैसी हैं, तो तुलसी नहीं जानता। बोले नहीं जानते गुरुजी। अब दूसरो चेला सोचन लो हमारो नंबर वाले बालू है तो का करे। सो दूसरो बालो बोलो कह रे तू तुलसी नहीं जान तू कोई बड़े बड़े पत्ता कह रहा जैसे भाई तो तुलसी होते जा तोड़ गया। गुरुजी बोले अच्छा तुलसी तुम ना जान तो का होते। बोले हम ना जान तो गुरुजी तुम्हें ही जाने पर। गुरुजी बोले हम अब तक तब बैठ गए हमने आसन ग्रहण कर लो अब पूजा करनी है तो हम उठ ना सकते अब क्या करें। बोले तुम दोनों में से एक को तुलसी ना जान दो। बोले ना गुरुजी एक को ना जान। गुरुजी बोले तुलसी एक को ना जान तुम तखत से उठ ना सकत तुम दोनों ओरी तखत पकड़ लियो एक ये पकड़ो एक ये पकड़ो हम बताए चले तुलसी हो तो आए। सो दोनों चेले को तखत में लगाओ तुलसी के पास पहुंचे। बोले जाओ तुलसी यहां से बढ़िया उठ गए अकेले ही ले आते ना तुलसी बाने काय बनाए रे। बोलिए गोविंद भगवान की कहते ना गुरु सावधानी से करो वो जब तक न देख लो कि मुझे सतगुरु तक पहुंचा सकता है तब तक गुरु करने की जरूरत नहीं है। आज गुरु जी को रोको प्रार्थना करी मत जाओ रुक गए। एक शर्त है क्या जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी दासी बन के जाए ठीक है।
देवयानी।